परिचय आपका मैम। वाराणसी व्यापार मंडल शाखा, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष ईशा अग्रवाल। किस लिए प्रेस वार्ता कर रही हैं? आज का जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए रखा गया है कि 1 फरवरी को पदमुक्त की गई हमारी पूर्व अध्यक्ष थी सुनीता सोनी जी। उन्होंने काफी समय से वाराणसी व्यापार मंडल पे गलत इल्जाम लगाए हैं, गलत बातें बोली हैं और साथ ही साथ हमारे व्यापार मंडल के अंदर की जो बातें हैं, जो कार्यरत चीजें हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना बयान दिया है, जिससे दूर दूर तक उनका कोई मतलब नहीं है। किस तरह का बयान है और प्रेस वार्ता किस परिप्रेक्ष्य में? सबसे पहली बात तो ये कि अभी हमारे यहाँ पूर्वांचल औद्योगिक ठेला पटरी व्यापार मंडल की पदाधिकारी है प्रीति चौरसिया जी, जो कि वहाँ पे महामंत्री हैं। आपस में कुछ चीजें हुई, कुछ बातें हुई, प्रीति जी ने संगठन में उसको हमारे सामने रखा। उन्होंने किसी दूसरे संगठन के सामने जाकर या कहीं और किसी मीडिया के सामने जाकर कोई बयान नहीं दिया। फिर भी कोई तीसरा इंसान उठ करके ये बोले और फिर उस पे बयानबाजी करे, तो ये संगठन के बिल्कुल विरुद्ध है, संगठन के खिलाफ है, जो कि सुनीता सोनी ने कल किया। मंशा क्या है उनकी? मंशा उनकी है व्यापार मंडल को तोड़ना, व्यापार मंडल को नीचा दिखाना, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली और क्या करे। बस बात यहाँ पे यही है, पदमुक्त कर दिया गया है तो अब उसके आगे वो करेंगी क्या जी? तो किस तरह की बयानबाजी हुई और क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, सबसे पहले तो 1 फरवरी को उनको हटाने का कारण ये था कि पिछले 2-3 महीने से वो पैसों की अवैध वसूली कर रही थी। इस बारे में पेपर में भी निकला था कि एक महिला दबंगई करके पैसा ले रही है, जो कि संगठन के हित के खिलाफ जा रहा था। संगठन में हित में बहुत लोग काम करते हैं लेकिन कोई पैसा नहीं लेता है उसका। साथ ही साथ दूसरी महिलाओं को वो बदनाम कर रही थी, दूसरी महिलाओं के ऊपर अपने कारनामे वो डाल रही थी, जैसे कि उनमें से एक सोनी जायसवाल जी भी थी, उन्होंने उनके ऊपर डाला। उन्होंने भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी बेचारी की कोई गलती नहीं थी, ये सुनीता सोनी के कारनामे थे। तीसरा, उनके भी कुछ चीजें, उनके चाल चरित्र कुछ चीजें नहीं सही थी, जो कि संगठन के खिलाफ जा रही थी। उनके कुछ संबंध ऐसे थे जो कि संगठन के खिलाफ जा रहे थे। शादीशुदा होते हुए भी, 3 बच्चे होते हुए भी वो एक संबंध चलाती आ रही है जो कि संगठन के बिल्कुल विरुद्ध था। संगठन में उनको स्ट्रिक्टली समझाया गया लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं माना। मैम, पर्सनल आरोप लगा रही हैं आप? बिल्कुल पर्सनल लगा रहे हैं। साक्षी है आपके पास कुछ? बिल्कुल है, साक्षी है आपके पास इसका? बिल्कुल है, इसका फोटो है, मैसेज है, रिकॉर्डिंग है, हर एक चीज है। तब ये बातें आपके सामने रखी जा रही है और ये बातें रखनी भी नहीं थी। उनको समझाया गया, भाई घर का बच्चा बिगड़ जाता है तो डांट के चुप करा देते हैं, वैसे ही उनको पदमुक्त कर दिया गया था क्योंकि उनको पद की गरिमा का। अपना परिचय बताएं। मैं वाराणसी व्यापार मंडल शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष आदि श्रीवास्तव। किस लिए प्रेस वार्ता कर रही हूँ, क्या कुछ? प्रेस वार्ता करने का विषय ये है कि पूर्व अध्यक्ष सुनीता सोनी, जो कि अपने आप को वाराणसी महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष बता रही हैं, प्रेजेंट में वो है नहीं अध्यक्ष। उनको 1 फरवरी को पदमुक्त कर दिया गया था, कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया था। महामंत्री कविंदर जायसवाल वाराणसी व्यापार मंडल के मेन बॉडी के महामंत्री हैं, उनके द्वारा सुनीता सोनी को पदमुक्त किया गया था। तो पदमुक्त करने के बाद यदि आपको पदमुक्त कर दिया गया है तो आप साइलेंट होकर बैठिए या तो फिर अध्यक्ष जी से बात करिए, अगर आपको किसी विषय पे अगर चर्चा विचार विमर्श करनी है तो। लेकिन वो महिलाओं की छवि को धूमिल कर रही है। वो अगर महिला अध्यक्ष है, आप महिला के हित में कार्य करती हैं, तो महिलाओं के लिए अभद्रता वाले शब्द आप बोलने के अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आप संगठन से जुड़ी हुई व्यक्ति थी पहले भी। लेकिन आज भी वो अपना परिचय महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष के रूप में देती हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे मेरा बहुत ज्यादा कहना नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष वो खुद को बता रही है ना, हमारे शाखा से जुड़ी हुई अध्यक्ष वो नहीं है। वाराणसी व्यापार मंडल के बग्गा जी की शाखा से जुड़ी अध्यक्ष वो अब नहीं है। अब क्या मेरे नाम के चांदनी नाम से हजारों करोड़ों लोग हैं तो मैं उनका नाम थोड़ी बदल दूंगी, वो उनकी मर्जी है, वो चलाएं। लेकिन संगठन की चीजों को, जो कार्यालय का है परिचय, जो कि वो अभी लेटर हेड आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल पे, लेटर पैड जो अपना चला रही हैं, उस लेटर पैड में अभी कार्यालय गांधीनगर 49 बग्घा जी की कार्यालय को डाल रही है, जो कि निहायत एकदम गलत है सरासर, वो चीजें ठीक नहीं है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? ये मेरा सवाल कम्प्लीट होने दीजिए। ये बात आती है मुख्य विंग की, मुख्य विंग यानी कि अजीत सिंह बग्घा जी,
बग्गा जी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। आप पूर्वांचल महिला व्यापार जो कि वाराणसी व्यापार मंडल से संबंधित है, आपकी क्या जरूरत है, आप क्यों पर्सनल इंटरफेयर कर रहे हैं? बहुत सही जवाब पूछा। मैं पर्सनल इसलिए इंटरफेयर की हूँ क्योंकि जब तक ये बयानबाजी करती थी मैं नहीं बोलती थी। कल इनका बयान जो सामने आया है उस बयान में उन्होंने महिलाओं के लिए ही बोला है और हम लोग के लिए बोला है, ना कि बग्गा जी के लिए। क्या? उनका कहना ये था कि ठेले खुमचे से उठा उठा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो क्या बताइए, ठेले खुमचे वाले नीचे स्तर के लोग इंसान होते हैं या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ठीक, अगर उन्होंने ये बयान दिया है इस पे जो आपके अध्यक्ष हैं बग्गा जी, इस पे जो भी चीजें करनी थी या कोई कार्रवाई या कुछ भी, उनको सामने आना चाहिए और इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। कार्रवाई कहाँ है? ये जो भी अपना वो अपनी बातों को रख रही है बयान के हिसाब से, मैं भी बयान करके अपनी बातों को रखी हूँ जी। तो क्या कहीं ना कहीं आप लोगों के सम्मान को ठेस पहुंच रही है? जी बिल्कुल, महिलाओं के सम्मान को, मेरे खुद के सम्मान को नहीं, मेरे वाराणसी व्यापार मंडल बग्गा जी की शाखा जितनी महिला अध्यक्ष हैं सबको वो कहती है पॉकेट से निकल के अध्यक्ष बनी हैं। तो ये चीजें आप महिला हित के लिए बात कर रहे हैं, वो उनका महिला हित के लिए ये बात करना है। आप महिला अध्यक्ष थी या है या रहेंगी तो महिला के हित में बात करेंगी या महिलाओं के खुद के सम्मान को ठेस पहुँचा के बात करेंगी? आपके संगठन की बात है, आप लोगों ने FIR की है क्योंकि बदनाम हो रहा है संगठन। FIR अभी नहीं की, अभी आपके माध्यम से उनसे पूछा जा रहा है। अब वो जवाब अगर दे देती है तो ठीक है कि क्यों उन्होंने ऐसा शब्द महिलाओं के लिए प्रयोग किया, नहीं जवाब देंगे तो इसके ऊपर भी जाया जाएगा, प्रशासन का भी सहयोग लिया। प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए, जैसे हम अगर एक चैनल के लिए संस्थान के लिए काम कर रहे हैं और हमारे संस्थान में किसी को निकाल दिया जाता है और वो जाके प्रस्तुत करता है अपने संस्थान को ही, पुराने संस्थान को, तो उस कंडीशन में तो हम सबसे पहले हमारा पहला चरण जो होगा FIR का होगा। भैया ये बताइए, कानूनी में सबसे पहले तो हम कानूनी दायरे में आएंगे ना, क्योंकि मैम गलत चीजें हैं, आपका आरोप है जो आप लगा रही हैं सही आरोप लगा रही हैं, अगर कोई गलत करता है तो सबसे पहले तो कानून है, तो आप बताइए क्या करेंगे। तो अभी तो यही तो मैं बताई, कल उनका बयान जो मेरे पर्सनल पे आया, मैं यूट्यूब पे देख के किसी के बयान को नहीं, मेरे पर्सनल पे बयान आया है उनका, तो इसलिए मैं उनको आपके माध्यम से उनसे जवाब चाहती हूँ। अगर वो जवाब नहीं देती है तो प्रशासन का सहयोग लेंगे। आपके किसी पदाधिकारी को गाली गलौज भी दी गई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे, उस कंडीशन में आपने क्या किया? अच्छा जी बिल्कुल सही कहे, कौन गाली गलौज दिया, कौन से टेलीफोन, मतलब किसने गाली गलौज दिया? अच्छा कविंद आपके संगठन, मेरे संगठन नहीं, मेन बॉडी के संगठन के महामंत्री हैं कविंदर जी, जिनको गाली गलौज नहीं, मतलब उनका कहना है वो एक महिला है उसका वो फायदा उठाती है। अगर उनको जेंट्स रात में फोन कर दिए, जिसका वो इश्यू बनाई थी कि 11 बजे उन्होंने उनको फोन कर दिया, तो क्या आपसे पर्सनली कोई बात करने के लिए फोन किया था कि संगठन के हित के लिए? कि आपको एक पर्ची दी गई है, संगठन में सारी महिलाएं उस पे साइन की हैं, तो आप सुनीता जी कब वो रिटर्न कर रही हैं साइन करके, तो क्या गलती उन्होंने कर दिया? उसके बाद वो सुबह में मॉर्निंग में बयान देती हैं कि कविंदर जी ने उन्हें रात को 11 बजे फोन करके और बात करना चाह रहे थे, वो बात नहीं की, तो इसका क्या मुद्दा है बताइए? आप संगठन में हैं तो आप 12 बजे सबको फोन कर सकती हैं और संगठन के उच्च पदाधिकारी आपको 11 बजे फोन नहीं कर सकता। क्या मांग है आपकी और मांग उनसे? नहीं मेरी लड़ाई नहीं है, मेरा सवाल है उनसे कि अगर जो कल वो बयान दी हैं, कल का जो बयान मेरे पास परसों का हो या कल का हो, जो मेरे पर्सनल पे आया है, तो वो महिलाओं के लिए ये शब्द कैसे उठाएं कि वो कैसे, मतलब ये शब्द उठा दी कि आप जमीन में स्तर से उठा उठा के बग्गा जी अध्यक्ष बनाए हैं? ये तो प्रश्न इशू हो गया ना, प्रश्न इशू नहीं है। नहीं तो ये अगर आप पार्टी का सहयोग नहीं लेती हैं, आप प्रशासन का सहयोग नहीं लेती, ये प्रश्न इशू है। मैं उनसे इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? वही चीज मैं बोल तो रही हूँ कि आपके माध्यम से उनसे जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर वो जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे। उनका उनकी जवाब से अगर मुझे लगेगा मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो अच्छा जवाब मुझे दे दी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, नहीं रहूंगी तो मैं प्रशासन के पास बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष बग्गा जी इंटरफेयर करेंगे इसमें? क्यों नहीं करेंगे, अगर आएंगे, अगर इससे ज्यादा विपक्षी उनके जानकारी में ये बात, बिल्कुल उनकी जानकारी में, उनके बिना उनके संगठन में कोई भी महिला अध्यक्ष हो या पुरुष अध्यक्ष कोई भी काम करता है बिना बग्गा जी के परमिशन से नहीं करता। आज आप प्रेस वार्ता करिए उनकी जानकारी में है? बिल्कुल है। ठीक, थैंक यू।